वक्त है संभल जा, रोकेगा कौन तुझको, एक तीर बन के चल जा। सरकार जनता से है, सरकार से जनता नहीं। तैयार है? बिल्कुल तैयार है। हम तो करो और मरो की स्थिति में आकर के ये आंदोलन का हमने जब सिर से पानी उतर गया है उसके बाद हमने ये कदम उठाया है। और आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, सरकार को ये भी पता है कि अगर हम इन सैनिकों की नहीं सुनेंगे तो हम पब्लिक में एक एक बंदे को जाकर बताएंगे। जहां सरकार की रैली चलेंगी वहां वहां सैनिक चलेगा, अपने काले झंडों को दिखाएगा। सरकार कभी बोलती है 65,000 करोड़ दे दिया, कभी बोलती है 70,000 करोड़ दे दिया, कि 90,000 करोड़ दे दिया। अरे भाई किसको दे दिया तुमने? नमस्कार, मैं नूर झा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहां पे आपको हम पोस्टर दिखा देते हैं, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। यहां पे इनकी ये मांगे हैं जो आप देख सकते हैं, और यहां पे ये कल जो है एक रेल रोको आंदोलन जो है करने जा रहे हैं। यहां पे आप ये पोस्टर देख लीजिए, रेल रोको को सफल बनाओ, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी। इन लोगों को यहां पे 218वां दिन है, 278वां दिन है यहां पे इन लोगों का। 10 महीने हो चुके हैं लगभग इनको, और यहां पे लोग जंतर मंतर पे धरना दिए हुए हैं। तो सीधे तौर पर इनसे पूछते हैं, जो आपका कल रेल रोको आंदोलन है, कितने लोग आने वाले हैं उसमें? हमारे जो है कम से कम 4 लाख से ऊपर तो किसान और जवान पंजाब से आने वाले हैं। उसके बाद अभी कुछ एक आदमी जो है केरला से, हमारी 2 ट्रेन में तकरीबन 20-25 हज़ार आदमी आज पहुंच चुके हैं, और शाम तक जो है ना 50-60 हज़ार आदमी पूरे केरला के मतलब के हो जाएंगे। जो साउथ मतलब लगभग हज़ारों की तादाद में लोग आने वाले हैं? नहीं, लाखों की तादाद में आ रहे हैं। बाकी यूपी कश्मीर जो कन्याकुमारी तक सभी आएंगे, ठीक है। उसमें ये नहीं है कि भाई यहाँ, और हमने उनको यही संदेश दे रहे हैं कि यदि अगर वो बसों से आ रहे हैं या देने पाए यूपी से आ रहे हैं तो यूपी बॉर्डर पे अगर उतर रहे हैं तो वहीं पर ही कहीं भी कोई भी रेल को रोक देना। हाँ। अगर दिल्ली स्टेशन पर हमको नहीं पहुंचने देंगे तो वो चक्का जाम कर लो। हाँ। जिस बस से उतरते वहीं खड़े हो जाओ, जनता तुम्हारे साथ हो जाएगी। जनता को हाथ जोड़ करके अपनी संगतियाँ बताओ ताकि पूरे देश में ये फैल जाए कि हमारे साथ क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें खाली दिल्ली में अगर रेल नहीं रोकने देंगे उसकी स्थिति में बता रहे हैं, दिल्ली के बाहर बॉर्डरों से नहीं आने देंगे उसकी स्थिति में बता रहे हैं। बाकी ये नहीं है कि भाई हमारा धरना यहाँ ख़त्म हो जाएगा, धरना हमारा यहाँ पर भी चलता रहेगा और रेल को भी रोकेंगे। अजमेरी गेट, नई दिल्ली, तो आप सब लोग वहाँ होंगे तो यहाँ पे कौन होगा फिर? यहाँ पर हमारा धरना होगा, एक कमेटी हमारी। हमने पहले सभी संगठनों को बोला था कि कोई भी संगठन आकर के अगर 10 दिन के लिए ये धरना संभाल लेगा तो हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे, लेकिन अभी तक भी कोई नुमाइंदों ने हमारों ने यहाँ पर आने के लिए नहीं है। सभी को वहीं जाने की च्वाइस है कि हम तो सीधा रेल रोको पर ही आएंगे। तो हमने एक अपना संगठन बनाया है खुद सबका सैनिक संघर्ष ने, वो संगठन आकर के यहाँ पर जो है धरना भी देगा और नई दिल्ली स्टेशन पर रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कितने लोगों को असुविधा होगी इससे? हम उनके लिए हाथ जोड़ेंगे। सरकार की अगर हमारी नहीं सुन रही है ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपके चैनल से, इसीलिए मैं शुक्रगुजार करके बोलता हूँ कि ये बात सभी को पहुँचाई जाए कि जनता तक हमारी आवाज़ें नहीं जाती हैं, गुमराह करें। आपने आज तक देखा कोई मीडिया आया हो यहाँ पर? नहीं आया ना। नॉर्मल मीडिया से काम चला रहे हैं हम लोग, अपने चैनलों से काम चला रहे हैं, लेकिन आज तक भी कोई मीडिया, कोई सरकार नहीं आई नुमाइंदों के लिए। 10 महीने से आप हैं, सरकार ने तब भी नहीं सुनी है आपकी? सुनी नहीं है। हाँ। सरकार कभी बोलती है 65,000 करोड़ दे दिया, कभी बोलती है 70,000 करोड़ दे दिया। कल प्रधानमंत्री जी वहाँ पर बोल रहे थे राजस्थान में, मैंने खुद सुना है, टीवी पर भी देखा उनका, कि 90,000 करोड़ दे दिया। अरे भाई किसको दे दिया तुमने? या तो अफसरों को दे दिया या कहाँ बांट दिया, कहाँ गया? हमारी सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है कि तीन जज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड, उनकी एक कमेटी बना दी जाए, 3 महीने का उनको वक्त दे दिया जाए, वो छानबीन करके अपना पूरा हमारा ब्यौरा बता दें। हमें पैसा नहीं चाहिए सरकार से, कोई खाना नहीं चाहिए। सरकार ने जो दिया है हम मानते दिया होगा, हम ये नहीं कहते कि मोदी सरकार ने हमको नहीं दिया। 2014 में जो भी दिया है, वो जनरल सतवीर भी आज भी धरने पर बैठे हैं, अगर उनको दिया है वो बोलते हमने नहीं लिया, हम बोलते हमने नहीं लिया, वो पैसा गया कहाँ? तो सरकार जनता पब्लिक को बता रही है, इसलिए हम पब्लिक को जब रोकेंगे, पब्लिक रुकेगी, परेशान होगी, तो पब्लिक खुद समझेगी कि सैनिक को क्या आ रही है। सैनिक एक सैनिक है, वो किसान का बेटा है, किसान से सैनिक है, सैनिक से जवान है। तो जय जवान जय किसान जो नेहरू ने नारा लगाया था, लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, वो गलत नहीं था।
आज भी जवान और किसान इकट्ठे होकर के आ रहे हैं। आप लोग ये जो रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, इसके बाद प्रशासन क्या करेगी, आप उसके लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। हम तो करो और मरो की स्थिति में आकर के ये आंदोलन का हमने जब सिर से पानी उतर गया है उसके बाद हमने ये कदम उठाया है। अदरवाइज हम सरकार से अभी भी आज भी हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, अभी तक 24 घंटे बाकी हैं। हम सरकार से आज भी बोलते हैं कि अभी आकर के अगर हमसे बात करें हम अभी यहाँ से उठकर चले जाएंगे। लग रहा है ये रेल रोको आप आंदोलन जो कर रहे हैं इसमें सरकार पे दबाव बनेगा? तब बिल्कुल बनेगा, अगर अभी नहीं बनेगा तो हम तो 70 साल पीछे चले जाएंगे। फिर सरकार के आरोपी का कोई फायदा नहीं है, जो सरकार ने आरोपी दिया उसका कोई फायदा नहीं है। और आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं, सरकार को ये भी पता है कि अगर हम इन सैनिकों की नहीं सुनेंगे तो हम पब्लिक में एक एक बंदे को जाकर बताएंगे, जहां सरकार की रैली चलेंगी वहां वहां सैनिक चलेगा, अपने काले झंडों को दिखाएगा और हर एक जनता को ये बताएगा कि हमारी संगतियाँ क्या क्या है। तो मतलब मोदी सरकार से जो सैनिक है वो खुश नहीं है? सरकार जनता से है, सरकार जनता से है, सरकार से जनता नहीं है। ठीक है, जो भी बनते हैं वो जनता बनाती है, जनता जनार्दन है। तो मैं हाथ जोड़कर यही गुजारिश करता हूँ सरकार से कि अभी भी वक्त है संभल जा, रोकेगा कौन तुझको, एक तीर बन के चल जा। अगर आपका ये रेल रोको जो आंदोलन है सफल हो गया लेकिन इसके बाद भी अगर सरकार ने नहीं सुनी फिर क्या करेंगे आप? हमारा अगला प्रोग्राम कोई ना कोई चलता रहेगा। हाँ। अभी इससे पिछला चला था संसद घेराव का, ऐसे ही प्रोग्राम एक एक बनता रहेगा, ये चलता रहेगा। तो आप लोग कहाँ कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से आए हैं। आप हरियाणा से? हरियाणा से। हाँ। तो हरियाणा से भी लोग आने वाले हैं? हरियाणा से कम भी 1 लाख आदमी, एक लाख आदमी आने वाला हरियाणा से। हाँ। तो सभी अगर यहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो वही है, वो उन्होंने भी बताया कि भाई जहाँ भी जो रोकता है वहीं जाम लगा दो, बस यही है तरीका। और पब्लिक को ये बताना है कि भाई ये धोखाधड़ी मतलब जो इसे कहाँ पर चल रही है, पब्लिक तो भोली भाली है। जैसे फौजी आदमी या सर्विस मैन जो भोले भाले थे पहले, उनको गुमराह करके बेवकूफ़ बना के और ये बंदर बांट कर दिया, वही बंदर बांट दिखाने के लिए पब्लिक को सामने ले रहे हैं कि पब्लिक समझो और देखो पब्लिक कि ये क्या हो रहा है और किसको क्या मिल रहा है और किसको क्या जा रहा है। तुम एक दिन का अनाज ले करके मतलब जो है पेट पाल लोगे क्या, 10 दिन का अनाज ले लो, लेकिन सारी उम्र का बच्चों को क्या करोगे, बच्चों के साथ क्या होगा वो देखो ना। लेकिन आप लोग ये शांतिपूर्वक भी तो कर सकते हैं इसे, मतलब तो रेल रोकने की क्या जरूरत थी? शांतिपूर्वक ही, शांतिपूर्वक में तो 10 महीने हो गए ना हमारे को बैठे हुए, तो रेल रोकोगा तो ये हो गया ना कि 10 महीने से जब हम बैठे हैं कोई सुन ही नहीं रहा, वो गोदी मीडिया उनके हाथ में है, वो उनको पका कर रखे हैं, उनको अच्छा तरीका खासी मिल जाता है, इसलिए गोदी मीडिया को जरूरत ही नहीं है किसी के पास आने की। ठीक है, वो तो इन्हीं को बड़ा मानते हैं कि ये यही बड़े हैं, ये जनता तो फुद्दू है। ठीक है, अभी जैसे इलेक्शन आ रहे हैं तो वो गोदी मीडिया उधर बैठ के डिबेट कर रहा है ना कि किसकी सरकार बन रही है, कहाँ क्या हो रहा है, तो उनका तो यही काम है, वो उनको बेवकूफ़ बना रहे गोदी मीडिया वाले, बोला आपकी ही सरकार है दूसरा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो बहुत लंबा समय है, 24 भी आएगा, 24 में भी आगे भी चलेगा, 23 भी एक महीना बाकी है, अभी तो बहुत लंबा समय है, देखते रहिए चलते रहिए, हम तो बैठे ही हमारा क्या। हाँ। तो चलते रहेंगे। तो मतलब जब तक आपकी सरकार बात नहीं सुनती आप यहीं बैठे रहेंगे और इस तरीके के आंदोलन करते रहेंगे? यहीं बैठे रहेंगे। हाँ। ये धरना खत्म नहीं होगा और आगे के धरने भी चलते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे और इससे आगे बढ़ोतरी होती रहेगी धरना प्रदर्शन में हर स्टेट में, इससे आगे अलग अलग प्रोसीजर से अलग अलग चलते रहेंगे। अगर आप थोड़ा और समय लेके रुक जाते, ये आंदोलन ना करते, क्या पता सरकार सुन लेती आप लोगों की? नहीं, समय तो हमने तो बहुत दे दिया ना, 10 महीने से चलते आ रहे हैं हम, तो सुनती नहीं है तो और आगे कौन सा समय चाहिए। सरकार अभी आके बात कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं कि तुम हमारे से बात ही मत करो, 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बना के और 3 महीने का टाइम दे के हमारे को बोलो, बोले 3 महीने में फैसला। कितने बजे से है ये रेल आंदोलन? कल सुबह 8 बजे। 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगा? आज रात को ही ये 12 बजे से शुरू हो जाएगा। 12 बजे से ही? जी।
और कल सुबह 8 बजे से तो अनिश्चितकालीन। तो हमने इन लोगों से बात करी, ये लोग कह रहे हैं कि कल जो है लाखों की तादाद में अलग अलग राज्यों से, हरियाणा यूपी से लोग आने वाले हैं। इनका जो है 12 बजे से ही, आज रात 12 बजे से ही स्टार्ट हो जाएगा और 8 बजे तो और भी लोग आएंगे, मतलब लाखों की तादाद में लोग आएंगे। अब देखना ये है क्या होता है, ये रेल रोको आंदोलन सफल हो पाता है कि नहीं हो पाता है। बाकी आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनता आवाज़।